हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमारी वर्डप्रेस कस्टम थीम की जो हमारी सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी हो दोस्तों, आप जो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो वर्डप्रेस की जो हमारी थीम डेवलपमेंट की। अगर आपको एक ही वीडियो में देखना है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों प्लगइन की सीरीज की। वर्डप्रेस में प्लगइन्स किस तरीके से आप बनाओगे, कस्टम प्लगइन किस तरीके से बनाओगे आप दोस्तों, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको जो है हिंदी में प्रोवाइड होगा। तो आज मैं इसकी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़े से बारे में बता देता हूँ किस तरीके से आपको कहाँ पे क्या करना है। तो हम चलते हैं, जो उनसे हमने थीम बनाई है अब तक, इस वाली थीम को हमने बनाई है। तो ये थीम हमारी बन गई थी। अगर आपने वो ट्यूटोरियल सीरीज फॉलो की है तो आपकी भी थीम यहाँ तक बन चुकी होगी। तो इसके बाद मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ। पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपकी हो जानी चाहिए। आप जैसे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओगे तो प्लगइन वाले सेक्शन पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंस्टॉल प्लगइन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। या तो आप अपलोड प्लगइन का ऑप्शन कर सकते हो, अपने पास आपके पास जो प्लगइन है वो आप अपलोड कर सकते हो, या फिर जो प्लगइन की डायरेक्टरी है वर्डप्रेस की आप वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन्स का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, प्लगइन्स का क्या कारण होता है दोस्तों यूज करने का, क्या यूजेस का फायदा होता है प्लगइन्स का। दोस्तों एक फायदा ये होता है हमारे पास प्लगइन से, आप दोस्तों जो है अपनी जो वर्डप्रेस की जो कस्टमाइजेशन है वो थोड़ी इजी हो जाती है दोस्तों। आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, कस्टमाइजेशन अच्छी हो जाती है दोस्तों, इजी है, फ्रेंडली है। कुछ प्लगइन्स दोस्तों आपको फ्री मिल जाएंगे, कुछ प्लगइन्स दोस्तों थोड़े से पेड होते हैं जिसकी आपको कॉस्टिंग देनी पड़ती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में प्लगइन बनता है। प्लगइन आपको एज ए बेसिकली आपकी थीम में सपोर्ट करता है, आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करता है। जो फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस आपको नहीं दे पाता है वो प्लगइन के माध्यम से आपको या तो इजीली प्रोवाइड हो जाता है या फिर दोस्तों आपको फ्रीली प्रोवाइड हो जाता है। तो ये दोनों चीज जो कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड होती है वो बेस करती है दोस्तों हुक्स पर, वर्डप्रेस के जो हुक्स होते हैं। वर्डप्रेस के दो कस्टम हुक्स होते हैं दोस्तों, एक होता है एक्शन हुक, एक होता है दोस्तों फिल्टर हुक्स। इन दोनों हुक्स के बेस पे ही आपका प्लगइन बनता है दोस्तों। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपने हुक्स के बारे में अच्छी नॉलेज निकाल ली, हुक्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हुक्स में आपको काम होगा, तो इसी बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यही हमारा टॉपिक है आज का कि हुक्स किस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आपको हुक्स यूज करने हैं। तो फटाक से मैं अपना कर लेता हूँ पेन स्विच और आपको मैं दिखा देता हूँ हमारे पास व्हाइट बोर्ड में चल के कौन कौन से हुक्स होते हैं, किस तरीके से आपको यूज करने हैं, क्या उनकी दोस्तों थ्योरी है। अगर आपने थ्योरी समझ ली दोस्तों बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको थ्योरी समझने के बाद आपको दोस्तों जो है फिल्टर किस तरीके से यूज करना है। तो जैसे हम जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं दो हुक्स। दो हुक्स को यूज करने के मतलब यहाँ पे आपको देख सकते हो वर्डप्रेस के हुक्स में आपको एक दिखाई देगा एक्शन हुक, एक दिखाई देगा दोस्तों वर्डप्रेस का फिल्टर हुक्स। तो यानी कि वर्डप्रेस के जो हुक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्शन होता है जो आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, एक होता है फिल्टर हुक जो आपके प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस में, जो प्री एग्जिस्टिंग आपका टॉपिक है उसमें आपको दोस्तों फिल्टर प्रोवाइड करता रहता है, उसको बोलते हैं फिल्टर हुक्स। तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं फटाक से। तो हमारे दोस्तों होते हैं एक एक्शन हुक जो मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारे दोस्तों फिल्टर हुक। एक्शन हुक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक्शन हुक होता है दोस्तों जो आपका एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी एक्शन के अंदर। इसके अंदर आपको अपना एक्शन परफॉर्म करना तो आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। इस एक्शन हुक का मतलब है जैसे हमने एक एक्शन बनाया है, लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया है, एक कस्टम फंक्शन बनाया है। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। फंक्शन बनाया लेट्स से हमने सो टाइटल का हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, कर लिबरेसिस ऑन यहाँ पे कर दिया। सो टाइटल के अंदर हमने यहाँ पे करा दिया एको, और जो हमने दोस्तों जो है डबल कोट ऑन करके यहाँ पे एको करा दिया टाइटल। तो अब ये आप चाह रहे हो जो हमारा ये फंक्शन है, जो ये सो टाइटल का फंक्शन है, आप चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक जगह पे हमारा जो है ये लग जाए, आप चाहते हो हेडर में लग जाए। लेट्स से हमारी जो साइट है उसके हेडर में ये लग जाए। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एंड से अपनी साइट को। तो जाते हैं फटाक से विजिट साइट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी यहाँ पे साइट है, आप चाहते हो ये हमारा जो है ये यहाँ पे दिखाई दे, हमारा जो सो टाइटल है जो। तो इसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों जो है एड एक्शन का फिल्टर यूज करना पड़ेगा। एड एक्शन किस तरीके से आपको यूज करना है, एड एक्शन के अंदर आपको बहुत चीजें होती है। एड एक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा किस तरीके से आप यूज करोगे, एक्शन हुक में आपको एड एक्शन और डू एक्शन करके दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है क्या होता है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों एड एक्शन, एक होता है दोस्तों हमारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक होता है एड एक्शन, एक होता है डू एक्शन। डू एक्शन का मतलब है करो। ये जो डू एक्शन वाला फंक्शन है ये तो आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे हेडर के पार्ट में, जहाँ पे आपको वो शो कराना है टाइटल, वहां पे आपको ये डू एक्शन करना पड़ेगा। और एड एक्शन होता है आपको जो फिल्टर लगाना पड़ेगा वहां पे, जो आप लगाना चाहते हो कि मेरा ये वाला एक्शन वहां पे परफॉर्म हो जाए एड एक्शन, यानी कि ये वाला एक्शन। तो आपको किस तरीके से यूज करना पड़ेगा, ये इसका एक प्री बिल्ड
आता है प्लगइन्स का। अभी मैं आपको दोस्तों जब प्रैक्टिकल करना जब बताऊंगा तो उसमें अच्छी तरीके से आपको जो है एक एक स्टेप बताऊंगा ऐड एक्शन का। अभी मैं थोड़ा सा आपको बार बार की नॉलेज दे रहा हूँ। ऐड अंडरस्कोर एक्शन करके इसका एक होता है, इसके बारे में भी दोस्तों ई डिटेल में जानेंगे। अभी इसके बारे में इतना ज्यादा आप टेंशन ना ले। ऐड एक्शन के अंदर आपको इस तरीके से दोस्तों जो है फंक्शन को कॉल कराना है, यहाँ पे बंद कर देना। इसके अंदर दो चीज पास होंगी कोमा लगा के, एक तो होगा फंक्शन पास आपको कहाँ पे यूज करना है ये एक्शन। ऐड एक्शन आपको एक्शन परफॉर्म कहाँ पे करना है। लेट्स से हमने यहाँ पे जो एक्शन वाला फंक्शन है इसको हेडर में लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे हेडर में लगाने के लिए आपको डब्ल्यू पी हेड का नाम से प्री बिल्ड आता है वर्डप्रेस का, डब्ल्यू पी हेड आप यहाँ पे लिख सकते हो, डब्ल्यू पी अंडरस्कोर हेड। ये भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे देख सकते हो आप, ये कहाँ पे मिलेंगे, इस चीज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अभी इतनी डीप नॉलेज में ना जाए, अभी सिर्फ मैं जो है एक्शनों का फिल्टर रूप के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसको अगर हमें डू एक्ट एक्शन करना है तो डब्ल्यू पी हेड करेंगे, और जो मैंने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन का आप लिखेंगे। जैसे कि मैंने बनाया था कस्टम टाइटल, तो आप यहाँ पे कस्टम टाइटल फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो ये एक्शन जो हमारा है, जो हमारा टाइटल एको हो रहा था, वो फंक्शन जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे जाके हो जाएगा हमारा एक्टिवेट, जहाँ पे हमने डू एक्शन लिखा है। तो इसका मतलब होता है एक्शन हुक, यानी कि आप अपना खुद का एक्शन बना के उसको यूज कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा एक्शन हुक। इसके बाद होता है हमारा फिल्टर हुक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं पहले इसको कर देता हूँ इरेज, अभी ज्यादा टेंशन ना ले कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे, पर फिर भी कोशिश करें अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर थ्योरी समझ में नहीं भी आ रही है कोई बात नहीं, हम दोस्तों आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। आने वाली वीडियो में स्टार्ट कर देंगे प्लगइन, और वहाँ भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। अभी तो मैंने दोस्तों आपको दो चीजें बेसिक इसलिए बतानी है क्योंकि इनके बेस पे ही हमारे प्लगइन स्टार्ट होंगे। अगर आपसे ये नहीं आते तो आप प्लगइन में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप प्लगइन में। फिल्टर हुक का मतलब होता है जो आपका एग्जिस्टिंग काम चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ फिल्टर हुक के बारे में, हम जाते हैं अपनी थीम में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है हमारा, यहाँ पे डाटा शो हो रहा है हमारा, यहाँ पे दोस्तों ये इमेज शो हो रही है हमारे ऊपर, यहाँ पे मेन्यू बार शो हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे पोस्ट का ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे फिल्टर चाहते हो कि ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है हमारा, ये वाला जो आ रहा है वी आर टीम ऑफ टैलेंटेड से लेके, आप चाहते हो यहाँ से लेके हमारा सिर्फ डिजाइनर तक ही दिखाई दे, सिर्फ इतना ही दिखाई दे, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। जैसे आप फिल्टर लगाओगे तो फिल्टर का मतलब होता है, फिल्टर हुक का मतलब होता है जो आपका डाटा शो हो रहा है, यानी कि जो डाटा बेस से आ रहा है, या अगर इसको इजीली तरीके से बोलते हैं जो डाटा बेस से डाटा आ रहा है वो एक वेरिएबल में आएगा आपका। लेट्स से हम डालते हैं पोस्ट के वेरिएबल में आ रहा है आपका, जो डॉलर पोस्ट के अंदर, डॉलर पोस्ट के अंदर आप सपोज करके चलिए हमारी ये वर्डप्रेस की एक पोस्ट है, उसका सारा का सारा जो कॉन्टेंट है डॉलर पोस्ट के अंदर आ रहा है। आप ये सपोज करके चलिए कि डॉलर पोस्ट के अंदर आ रहा है, तो अगर आपने फिल्टर हुक लगाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे अप्लाई फिल्टर, या फिर दोस्तों जो है लिखोगे एड फिल्टर, एड अंडरस्कोर फिल्टर, और वही वाला यहाँ पे फंक्शन आपको दोस्तों देना है, ये जो डॉलर पोस्ट है ये आपको डालना है डॉलर पोस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको डालना है डॉलर पोस्ट, तो ये डाटा आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम करके आपको यहाँ पे फंक्शन डालना है, जो भी आप फंक्शन डालना चाहते हो, जो फिल्टर लगाना चाहते हो। लेट्स से मैं लगाता हूँ यहाँ पे सो 20, यानी कि 20 तक हमारा जो है वर्ड्स दिखाई देने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ये इतने बड़े टेक्स्ट है तो हम चाहते हैं सिर्फ 20 तक वर्ड दिखाने चाहिए। तो किस तरीके से आपको करूंगा, जो आप ये फंक्शन कॉल कराऊंगे सो 20, इसके अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट लेना है, जो ये डॉलर पोस्ट का डाटा आएगा वो आर्ग्यूमेंट में पास हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डॉलर ए ले लेता हूँ, तो जो हम यहाँ पे सो 20 करके फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन सो 20, इसको जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन को, इसके अंदर जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट पास होगा डॉलर ए, जो हमारा डॉलर ए होगा, इसको हम दोस्तों सब एस टी आर कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे 20 वर्ड्स तक लेना है तो यहाँ पे सब एस टी आर फंक्शन आता है, ये पी एच पी का फंक्शन होता है सब एस टी आर, एस यू बी एस टी आर। तो सब एस टी आर के अंदर आप डॉलर पोस्ट को पास करेंगे, उसके बाद 20 अगर आप लिख के दे देंगे तो इस तरीके से आपका ये अप्लाई फिल्टर हो जाएगा, और आपको यहाँ पे जो फ्रंट एंड में दिखाई दे रहा है इतने ज्यादा टेक्स्ट वो नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आपको 20 वर्ड्स तक ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से फिल्टर वर्क करता है, यानी कि आपको जो डाटा आता है वो एक वेरिएबल में आ जाता है, वो वेरिएबल आप दोस्तों जो है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करा देते हो, और जैसे हमें फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में वो वेरिएबल मिल जाता है, उस वेरिएबल के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जैसे सब एसटीआर यहाँ पे कर दिया तो फिर इसको आपको रिटर्न करना होता है, ये बात ये जरूर याद रखिएगा, आपको यहाँ पे इसको रिटर्न मारना पड़ेगा ताकि ये वापस वहीं पे चला जाए जहाँ से ये आया था, जाए हमारे यहाँ से रिसीव हुआ था तो यहीं पे वापस आ जाए। आशा करता हूँ आपको ये थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। थोड़ा डाउट है तो आप दोस्तों जो है फटाक से मेरे चैनल पे जाइए, आप जैसे मेरे चैनल पे जाओगे यहाँ पे आपका अबाउट अस वाले सेक्शन पे जाओगे,
यहाँ पे आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको इजीली डिटेल में समझा दूंगा। वैसे तो मैंने दोस्तों जो है 99% श्योर हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा एक्शन को मतलब होता है दोस्तों, आप अपना खुद का एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिल्टर का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग एक्शन है, जो एग्जिस्टिंग हुआ हुआ है वर्डप्रेस में, उसमें चेंजेस आप कर सकते हो। मोटा मोटा सा तो ये था, और इसके बाद जब हम थ्योरी करेंगे प्लगइन बनाने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, उसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।